शिखा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए अमेज़न से एक बॉटम वियर कलेक्शन, जिसमें ना जो बॉटम है वो डेली वियर है, कैजुअल वियर है, जो मोस्ट डिमांडिंग होते हैं ना, उस तरह का लेकर के आई हूँ। और कुछ ऐसे हैं जिनमें कलर ऑप्शन है, तो आप कोई भी कलर आराम से पिक कर सकते हैं। शुरुआत मैं करूंगी मेरे आज के बहुत ही प्यारे और एकदम ब्यूटीफुल सा ये फ्लोरल प्रिंट के ब्लैक कलर के बॉटम से, जो कि है फ्लोरल प्रिंट में एक प्लाजो। साइज है इसका, मैंने जो साइज लिया है वो है लार्ज। प्राइस है इसका 999, और जिस रेंज में लिया है वो मैंने डिस्प्ले कर दिया है। ब्रांड है इसका MYX। प्योर कॉटन का बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये प्लाजो है। लेग्स की विड्थ आप इसकी देखेंगे, कितनी बढ़िया लेग्स की विड्थ है। तो चाहे तो आप इसे किसी कुर्ते के साथ या टॉप के साथ आराम से कैरी कर सकते हैं। डेली में वियर करने के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस किसी प्लेन येलो के साथ, व्हाइट के साथ, ब्लैक के साथ भी ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और बहुत ही सुंदर लुक आएगा। तो ये है इस प्लाजो का डिजाइन और बहुत ब्यूटीफुल मुझे लगा। प्लस गाइज, ये एंकल लेंथ नहीं है, फुल लेंथ में है और डेली में पहनने के लिए भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। बेल्ट पर आप देखेंगे इसमें दोनों तरफ इलास्टिक है, प्लस इसमें है एक ड्रॉ स्ट्रिंग, जिसकी वजह से अगर आपको थोड़ा बहुत भी लूज है तो आराम से आप अपनी बेल्ट से इसे फिट कर पाएंगे। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लाजो है। बाकी लुक आपको इसका क्लियर हो गया होगा कि पहनने के बाद कैसा लगा। सेकेंड जो पीस मैं दिखाने वाली हूँ वो है ये स्कर्ट। ब्रांड है इसका आयुक्ता। साइज मैंने लिया है इसका मीडियम, और मीडियम मुझे एकदम परफेक्ट आ रहा है। अच्छा, इस तरह की स्कर्ट्स ना काफ़ी अच्छी लगती हैं। आराम से आप इन्हें किसी पार्टीज में किसी भी हैवी से कुर्ता के साथ, यूजुअली जब मैं मिक्स एंड मैच करती तो सब लोग मुझसे पूछते हैं, तो वो इसी तरह की होती है। मतलब बहुत प्यारी लगती है मुझे। किसी लॉन्ग से कुर्ते के साथ स्कर्ट डाल लो, थोड़ा ज्वेलरी वेयर कर लो और आप पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। प्लस प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी है। बेस जो है इसका व्हाइट कलर का, और पूरे पर ही ना फॉइल प्रिंटिंग है। बॉटम में काफ़ी ब्रॉड सा बॉर्डर है और पास बूटियां हैं, जिसकी वजह से लुक इसका काफ़ी अच्छा आया। दोनों तरफ है इसमें इलास्टिक, और साइड में है ये ड्रॉ स्ट्रिंग, जिसमें आप देखेंगे ना गोल्डन कलर के थ्रेड भी लगे हुए हैं, जरी वाला थ्रेड, उसकी टसल्स है। फ्लेयर इसका अच्छा खासा है, इसमें कोई भी इनर नहीं है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। इसमें अंदर इनर नहीं है, लेकिन फ्लेयर इसका अच्छा खासा है, तो आराम से आप इसको बाय कर सकते हैं रेंज के अकॉर्डिंग, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट पीस जो मैं दिखाने वाली हूँ ये है एक लेगिन का पीस। ब्रांड है इसका लायरा, और सब जानते होंगे यार, मतलब काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये लेगिंग्स में। और ये है इसका लुक। एंकल लेंथ में मैंने इसको लिया है। साइज मैंने इसका मीडियम लिया है, मीडियम मुझे एकदम परफेक्ट आ रहा है। और ये एक एंकल लेंथ लेगिंग है, काफ़ी स्ट्रेचेबल ये है। Look at this. बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। यूजुअली आपने मुझे देखा होगा कि मैं लेगिंग्स बहुत ज़्यादा कम वियर करती हूँ, इसीलिए मेरे पास काफ़ी डिमांड आई थी कि भाई लेगिंग दिखाओ बॉटम वियर में, क्योंकि मैं पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करती, मुझे प्लाजो पैंट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपको लेगिंग चाहिए तो आप लायरा ब्रांड की लेगिंग्स आराम से ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल, और एंकल लेंथ में है, तो पहनने के बाद एकदम परफेक्ट लगी। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट ये है ना, मतलब आपको पहनने के बाद खुद को फील होगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा सा वियर किया हुआ है। ये लिया था मैंने दो के कॉम्बो में, एक ये पिंक कलर और एक ये ब्लैक कलर। इसका पिंक कलर जो है बेबी पिंक भी नहीं है, मजेंटा भी नहीं है, उनके बीच का जो पिंक कलर होता है ना वो है। अच्छा, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब जिस पैकेजिंग में ये आई थी ना उसमें आई थिंक अराउंड 100 और 150 कलर्स थे, और पिंक में भी सबके शेड लिखे होते हैं। एक्चुअली मुझे याद नहीं कौन सा है, बट मेरी भाषा में पिंक कलर ही है। इसमें दोनों तरफ इलास्टिक है, और अगेन आप देखेंगे कितनी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, तो बहुत कंफर्टेबल है, आराम से आप इसको वियर कर सकते हैं एंकल लेंथ के पैटर्न में। फिनिशिंग बहुत अच्छी है। जो हम नॉर्मल लेगिंग्स ले लेते हैं ना, उनकी कहीं से धागे निकले होते हैं कुछ, यहाँ आप देखेंगे कितनी अच्छी फिनिशिंग है। प्लस ये आपको ब्रांड का टैग ये भी मिलेगा, और बहुत ही प्यारी, मतलब लेगिंग्स का अगर मैं बात करूँ, पहली बात तो मुझसे तो वो चूड़ीदार लेगिंग तो पहनी नहीं जाती, अगर कभी कभी मैं वियर करती हूँ तो भी एंकल लेंथ, और वो भी मोस्टली मैं जो ए लाइन के कुर्ते होते हैं ना उनके साथ लेगिंग प्रेफर करती हूँ, साइड स्लिट के साथ मैं लेगिंग वियर नहीं करती, मुझे नहीं अच्छी लगती। इन सभी का जो प्राइस है मैं साथ में मेंशन कर रही हूँ, प्लस लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा हॉल पैक लिंक है, एक सिंगल लिंक है, जहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरा सारा आज का कलेक्शन प्लस प्रीवियस हॉल पैक कलेक्शन मिल जाएगा। सो वहाँ से शॉपिंग करना हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पीस की तरफ, तो ये मैं दिखाना चाहूंगी, मैं इसको बोलती हूँ डांसर धोती। जो डांसर होते हैं मोस्टली इसी टाइप की पहन करके रखते हैं, तो मुझे काफी अच्छी लगती है। इसमें दोनों तरफ इलास्टिक है। ब्रांड है इसका आई बाय इंडिगो। साइज मैंने मीडियम लिया। अच्छा, इस ब्रांड के जो बॉटम है ना वो बहुत ही हैवी वेट, मतलब उनका जो फैब्रिक होता है ना बड़ा ही हैवी हैवी सा,
और बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है। ये आप देखेंगे पूरा ही फ्लोरल प्रिंट में बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये डांसर धोती है। ये है इसका लुक, क्योंकि पूरी सेंटर में से ना एक जगह जॉइंट होती है। बॉटम में आकर के जो इसकी मोहरी है वहां पर दो बटन लगे हुए हैं, दोनों ही बटन ओपनेबल हैं। और मतलब लाइट बेस के साथ इस पर येलो ग्रे ब्लैक फ्लावर्स बने हुए हैं। मेरे पास कोई येलो कलर का टॉप नहीं था, मतलब मेरे पास येलो कलर का टॉप नहीं था, वरना मैं उसके साथ पैरअप करके दिखाती, बहुत ज़्यादा कूल लगती। अगर आप समर में घर में पहनने के लिए कुछ कंफर्टेबल सा ढूंढ रहे ना, तो यार आप इसको आराम से पिक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये है और मेरी तरफ से है ये हाईली रिकमेंडेड। नेक्स्ट पीस अगेन एक और डेली के लिए परफेक्ट, या फिर अपने किसी भी वाइट कलर के सूट के साथ या ब्लू, इसमें जो रॉयल ब्लू टच आ रहा है उसके साथ इसे आराम से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। अगेन काफ़ी हैवी फैब्रिक और इसका जो पैटर्न है ना वो बिल्कुल सेम जैसे बीवा में आजकल प्लाजो आ रहे हैं ना उसका है। ब्रांड है इसका आई बाय इंडिगो, साइज मैंने मीडियम लिया है, मीडियम मुझे एकदम परफेक्ट आ रहा है। और ये आप देखिए इसका लुक, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रिटी ये प्लाजो है। साइड से एकदम स्लिट है क्योंकि इसमें डबल फैब्रिक यूज है, दोनों ही फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इवन व्हाइट वाले की क्वालिटी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और ये है रेयॉन, यहाँ पर आप देखेंगे तीन स्ट्रिप लूप्स काइंड ऑफ बने हुए हैं। सो काफ़ी प्रिटी सा डिफरेंट सा मुझे लगा, अगर आप कुछ डिफरेंट सा वियर करना चाहते हैं तो इसको आराम से ले सकते हैं। लुक एट दिस लुक, इसका काफ़ी प्यारा है, जो आपको पहनने के बाद क्लियर हो रहा होगा। और आज का जो मेरा लास्ट बॉटम है वो है एक वाइट कलर का, जो मैंने रिसेंट वीडियो शेयर की थी ना बॉटम वियर की, उसमें मैंने 3 से 4 वाइट दिखाए थे और मैंने कहा था कि मेरा एक अभी आया नहीं है, तो वो था डेली वियर के लिए। मतलब जो दो थी वो पैंट थी, पैंट में कंपैरिजन था, एक बीबा का था वो फ्लेयर वाला। सो मैंने एक डेली के लिए प्लाजो भी पिक किया था लेकिन उस टाइम पे नहीं आया, तो मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड कर लिया। इसका ब्रांड है MYX और साइज मैंने इसका लार्ज लिया, लार्ज मुझे एकदम परफेक्ट आया है। और अगर आप डेली वियर में ना कुछ हल्का फुल्का सा प्लाजो ढूंढ रहे हैं, वैसे तो फैब्रिक इसका खादी कॉटन है लेकिन डेली के लिए एकदम परफेक्ट ये प्लाजो है। ये आप देखिए लेग्स की विड्थ है इसकी एकदम परफेक्ट, प्लस आपको ना इसमें इतने पोर्शन में इनर लगा हुआ मिलेगा, जो वीडियो में आपको इजिली क्लियर हो रहा होगा कि इसमें इनर लगा हुआ है। सो इसमें आप देखेंगे दोनों तरफ इलास्टिक है, पहनने में एकदम कंफर्टेबल, एकदम बढ़िया ये प्लाजो है। तो जिसको भी ना मतलब कॉटन का एक इस तरह का प्लाजो चाहिए जिसे आप डेली में कितना भी वियर कर सकें और वो अच्छा चले, तो आप इस ब्रांड का आराम से ट्राई कर सकते हैं। इवन ये काफ़ी अच्छा भी है। और ये था मेरा आज का कंप्लीट कलेक्शन, जो सारा ही मेरी तरफ से है हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल ये पहनने के बाद है। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स से मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।